मेरा नाम है गणेश, आप सभी का स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी होता है चैनल बैनर बनाया जाए, ताकि चैनल बैनर लगा रहे तो आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लगती है। तो ये चैनल बैनर किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर एक आप लोग नया यूट्यूबर हो तो आप लोगों को मैं आज सिखाने वाला हूँ चैनल बैनर बना के कि कैसे बनता है चैनल बैनर। तो ज़्यादा देर मैं आप लोगों को वीडियो देर नहीं करूँगा और लेके चलूँगा मोबाइल स्क्रीन में, सारे चीज़ मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बीच में, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, और जितना हो सके अपने यार दोस्त को जरूर शेयर करना दोस्तों हमारे इस वीडियो को, और एक लाइक जरूर करना। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों, गणेश टेक 95 मेरा यूजर आईडी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो चलो आज के वीडियो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन में। देखिए मैं आज चैनल बैनर बनाना मोबाइल स्क्रीन में बताऊंगा आप लोगों को, तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, एक पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी और एक वॉलपेपर सा है, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए पिक्सल लैब ऐप को ऑन करते हैं। ओपन, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट करना है, तो इसमें थ्री डॉट में ऊपर पे क्लिक करना है, उसके बाद चलना है यहाँ पे इमेज साइज में क्लिक करना है। इमेज साइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम में क्लिक करना है, और इसका साइज यहाँ पे आपको बता देगा। यूट्यूब चैनल बैनर में क्लिक करना है, यूट्यूब चैनल बैनर में क्लिक करने के बाद ओके क्लिक कर देना है। ये चैनल बैनर चैनल के बैनर में लगेगा, कैसे लगाना है सारी चीज़ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो पूरा देखना। थोड़ा वीडियो देर ही हो सकता है, उसके लिए आप लोगों को सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको लिखा हुआ को मैं कट कर देता हूँ, डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस प्रकार से कट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ऊपर प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर जाना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ ये वॉलपेपर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये सिलेक्ट आ गया, इसको राइट चिन्ह को क्लिक करना है और इसको हमें थोड़ा सा खींच के इसके बराबर में ले आना है। इस प्रकार से ले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखना है, जो भी आप लगाना चाहते हो। तो उसके लिए चैनल का नाम लिखने के लिए ए पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, इसको करना है डिलीट और अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। बड़े बड़े अक्षर में लिखोगे तो सही लगेगा, तो मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ जी ए एन ई एस एच गणेश टेक। देख लीजिए मेरा चैनल का इस प्रकार नाम आ गया दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ जो कि अच्छा लगेगा, तो स्पेस मैंने दे दिया ये गणेश टेक, इसको मैं कर दूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हो, इसके लिए ये है फॉन्ट चेंज करने के लिए, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया, इसको अपने जगह पे सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा हो जाता है, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना। इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ तो अपने आप आ जाएगा, तो साइज बड़ा करना, डबल टी को क्लिक करना है और इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे लिखने के बाद दोस्तों आप अपना चैनल का लोगो भी साइड में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को चैनल का लोगो लगा के दिखाता हूँ। तो ये मेरा गणेश टेक यहाँ पर आ गया बीच में, और भी कुछ आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि ए पे जाना है और डबल टेक्स्ट पे क्लिक करना है, डबल टच करना है और यहाँ पे लिख देना आपको कुछ भी, जो भी आपको टेक का इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो तो टेक का इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, या तो कुछ भी लिखना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो टेक लिख दीजिए या तो न्यूज़ लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फिलहाल में मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं अपना यहाँ पे लगा दूंगा चैनल का लोगो, उसके लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और गैलरी पे चलेंगे। गैलरी में चलने के बाद दोस्तों थ्री डॉट पे चलेंगे और यहाँ पे मेरा गैलरी है अबाउट। मैं गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना जिसमें भी मेरा चैनल का लोगो है उसमें फिक्स आर्ट में मेरा चैनल का लोगो है, ये देख लीजिए, तो मैं इसको करूँगा क्रॉप। इसको मैं अच्छी तरीके से क्रॉप करूंगा दोस्तों, तो ऐसे क्रॉप करने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से कर लेता हूँ, करने के बाद कर दूंगा क्लिक इस प्रकार से, और इसको करना है आपको छोटा, तो छोटा करो इस प्रकार से
प्रकार से आप कर लो, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अपना चैनल अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आप कर लो छोटा और लगा दो इधर ऐसे नीचे को, और उसको गणेश टेक को इधर करके लगा दो गणेश टेक, ऐसे करके बना सकते हो। आप जितना ही प्रोफेशनल बनाना चाहते हो उतना प्रोफेशनल बना सकते हो, और ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो छोटे छोटे अक्षर में लिख सकते हो। और दोस्तों इसको फॉन्ट चेंज करना है अभी हमें, तो ये रहा फॉन्ट में गए हम लोग, ये रहा यहाँ पे लिखा है फॉन्ट ए बी लिखा हुआ है, इसमें फॉन्ट में जाने के बाद कोई सा भी फॉन्ट आप दे सकते हो जैसे कि प्रोफेशनल दिखेगा। तो इसमें मैं दे देता हूँ एक प्रोफेशनल, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए और कोई सा भी आप लोग दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ ये वाला प्रोफेशनल, इस प्रकार से क्लिक करूँगा। सॉरी चेंज नहीं हुआ इसमें, मैं कुछ दूसरा ही चुन लेता हूँ, डीपी वाला चेंज करके देखते हैं कैसे दिखेगा। इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों आपका चैनल का बैनर। आप कुछ भी लगा सकते हो, इसमें बहुत सारे फॉन्ट हैं, आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हो। ये ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, या तो आपको जैसे भी मोटा पतला लिख के आप लोग दिखा सकते हो, लगा सकते हो अपने पसंद के अनुसार। तो मैं फ़िलहाल में एक लगा देता हूँ कोई सा भी, जैसे कि ये लगा दिया मैंने इस प्रकार से। ये बड़ा होगा, थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, इसे छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, डबल टी में क्लिक करके इस प्रकार से आप अपना चैनल लोगो लगा सकते हो। और भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लगा रहा हूँ। और इसको करना है आपको स्टॉक को ऑन कर देना है, स्टॉक यहाँ पर है, इसको ऑन कर देना है इस प्रकार से, ऑन कर दीजिए और दोस्तों इसको क्लिक कर दीजिए। और साइड में ये है, इसको भी ऑन कर दीजिए इस प्रकार से, ऑन कर दीजिए, स्टॉक को भी ऑन कर दीजिए और इसको भी ऑन कर दीजिए। तो ये लगेगा प्रोफेशनल, इस प्रकार से आप लगा के बना सकते हो अपना चैनल लोगों के साथ। और कुछ लिखना चाहते हो अगल बगल में आप लोग लिख सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप लोगों को ज़रूर लाइक करना, कॉमेंट करना। उसके लिए आपको इसको ऊपर लगा देते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं हम। यहाँ पर थ्री डॉट में जाना है और इमेज स्पॉट इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद करना है यहाँ पर सेव टू गैलरी। ये सेव हो गया हमारे गैलरी में, अब हमें वहाँ पे जाके यूट्यूब चैनल में लगाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको बैनर लगाना सीखते हैं आप लोगों को। तो चलिए उसके लिए मैं डाटा ऑन कर लेता हूँ, सॉरी एक मिनट वेट कीजिए, मैं अपना डाटा ऑन कर लिया दोस्तों। आप चलेंगे इसके लिए क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे चलेंगे क्रिएटर टू स्टूडियो में। एक मिनट रुकिए दोस्तों, क्योंकि मेरा नेट स्लो है, चल रहा है। थोड़ा वेट कर लीजिए, ये मैंने खोल दिया दोस्तों। उसके बाद जाना है हमें यहाँ पे अपने चैनल में। तो चैनल में जाने के बाद दोस्तों यू आर चैनल को क्लिक किया मैंने, मैं चैनल में आ गया दोस्तों। यहाँ के बाद सॉरी हम लोग बैक चलते हैं, क्रोम ब्राउज़र में गए। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद एक मिनट रुकिए, अपने चैनल में मैं गया। चैनल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा पहले ही चैनल बैनर। तो चैनल बैनर को इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये पेंसिल सा एक आइकन आ जाएगा आपके सामने, ये रहा, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एडिट लिंक एंड एडिट चैनल आर्ट्स, तो चैनल आर्ट्स पे क्लिक करोगे इस प्रकार से। सो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका चैनल आर्ट्स खुल जाएगा अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर गैलरी पर, गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपका गैलरी अभी खुल जाएगा इस प्रकार से। यू आर फोटो पे जाना है, आपके फ़ोटो पे जाओगे तो जैसे ही फ़ोटो पे जाओगे अपना सारा फ़ोटो दिखा देगा। अपलोडिंग यू आर आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट यू आर, इस पे जाएंगे और उसके बाद दोस्तों फाइल में जाना है हमें।
फाइल में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपका बना के रखोगे यहाँ पे शो कर जाएगा ये। तो ये अपलोड हो रहा है दोस्तों, अभी अपलोड हो जाएगा, देख लीजिए किस प्रकार से ये लगता है। तो अपलोडिंग चालू है, अपलोडिंग होने के बाद इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखिए लैपटॉप में ऐसे दिखेगा और कंप्यूटर में ऐसे दिखेगा, टीवी में ऐसे दिखेगा, मोबाइल में ऐसे दिखेगा। तो ऐसे दिखने के बाद दोस्तों आपको आप इसको एडिट भी कर सकते हो, मैं एडिट नहीं करना चाहता फ़िलहाल में। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सेलेक्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट में क्लिक करोगे यहाँ पे आपका चैनल बैनर लग के रेडी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका चैनल बैनर दिखेगा। फिलहाल मैं बहुत बड़ा बना रखा हूँ, इसको आप कट भी कर सकते हो, छोटा भी लगा सकते हो। इस प्रकार से आप अपना चैनल बैनर बना के लगा सकते हैं दोस्तों। कैसे लगे वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, जितना हो सके लाइक करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।